दिस इज अपर्णा, योर मैथ्स मास्टर टीचर एट वेदांतु. तो क्या हाल है मेरे पायरेट्स का? आर यू गुड, स्टेइंग सेफ एंड कीपिंग केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली ऑल्सो? वेरी गुड. सो गाइज, एज यू ऑल नो, वी आर रनिंग विथ आवर मिशन परीक्षा एज योर हाफ ईयरलीज आर रनिंग नाउ अ डेज. ठीक है, तो आई एम गिविंग यू द चैलेंज टू बूम एवरी क्वेश्चन ऑफ दिस पर्टिकुलर सेशन ऑन योर ओन. If you could boom this, do let me know the in the comment section and be very very truthful to yourself. ठीक है, do let me know, ma'am. इतने question मैंने खुद से boom किए हैं और खुद से boom कर लिए सारे question, तो very very congratulations to you. ठीक है, मुझे बिल्कुल बताना in the telegram और in the comment section that you have boomed all the question on your own. ठीक है, I do trust my buy rates on this. So without wasting any time, we are going to boom this session, and this is the session number 1 for linear equation in one variable one marker question. ठीक है, तो let's do this, let's start this session. As you guys know, I am not ignoring anyone, है ना? I am not ignoring, right? Because this is a premier one, and do let me know whatever queries, whatever things you are having in the comment section, or you can come up to me personally or in the group of Telegram. The Telegram link is given in the description box. So let's start our question number 1. So one marker question are really really super duper easy, sometimes very easy, sometimes very tricky. So this one is very simple type of question where you need to solve this equation where you have to find out the value of x. तो क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है फ्रॉम दिस इक्वेशन. तो x को एज इट इज रहने दो, और ये जो जितना भी ये वाला पार्ट है ना, न्यूमेरिक पार्ट, इसको उठा के आप RHS में रख दो ले जाकर. ठीक है, तो x क्या बन गया, 7 + 2, बिकॉज यहां पर ये जो बेचारा -2 था ना, इसकी वैल्यू थी नेगेटिव. देख रहे हो, ये नेगेटिव था ना, तो RHS में गया तो +2. व्हाट इट बिकम्स, x इज इक्वल टू 9. ठीक है, बूम हो गया. ठीक है, वेरी गुड. नाउ क्वेश्चन नंबर 2 सेज y + 3 = 10. ठीक है, तो ये फास्ट ट्रैक रिवीजन है, तो वी आर गोइंग टू डू इट इन अ सुपर डुपर फास्ट स्पीड नाउ. तो y विल बी इक्वल टू 10 - 3, बिकॉज ये +3 इधर आया, वी गॉट y = 7. थर्ड पार्ट सेज यू नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ z. तो यार सुनो ना, z की वैल्यू निकालने के लिए हम इसको ना इधर लेके आ गए और इसको इधर, तो z + 2 = 6. कोई चेंज नहीं किया है, RHS को LHS, LHS को RHS, कोई साइन चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी. आप कोई एक टर्म ले जाते हो ना, तब चेंज करना पड़ता है. पूरा RHS को LHS बनाते हो, LHS को RHS बनाते हो, तो कोई परेशानी नहीं है. तो z की वैल्यू आ गई आपकी 4, बिकॉज 6 - 2 = 4. सो बिफोर आई स्टार्ट मूविंग द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर सेशन, आई एम गोइंग टू रिमाइंड यू, बिकॉज सम ऑफ माई स्टूडेंट्स आर कमिंग फॉर द वेरी वेरी फर्स्ट टाइम, दे मस्ट ऑल्सो यूटिलाइज द बेनिफिट्स ऑफ वेदांतुस प्रो सब्सक्रिप्शन. इफ यू फेस बेटा नोट्स की प्रॉब्लम, डाउट्स की प्रॉब्लम अगर आती है ऑनलाइन पढ़ते हुए, डाउट्स की प्रॉब्लम आती है ना, और इंस्टेंटली डाउट सॉल्व नहीं होते हैं, तो बहुत इरिटेशन होती है. तो आप सब ने हमें बताया, मैम ये डाउट्स आते हैं, मैम ऐसे होता है, मैम इसका कुछ करो. तो वेदांतु आपके लिए सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन लेके आया है, डाउट्स की प्रॉब्लम सॉल्व. कैसे, इंस्टेंटली डाउट सॉल्व होते हैं विद द मास्टर टीचर. यू गेट क्लास टीचर्स टू सॉल्व योर डाउट्स. ठीक है, नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, टेस्ट और असाइनमेंट होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन होती है, शेड्यूल अकॉर्डिंग टू योर चॉइस एंड लैंग्वेज अकॉर्डिंग टू योर चॉइस. सो गो फॉर दिस, बिकॉज यू गेट बोनस टू अनलिमिटेड लाइव क्लासेस, ऑल माइक्रो एंड क्रैश कोर्सेज, परफॉर्मेंस रिपोर्ट एंड पर्सनलाइज अटेंशन तो मिलती ही है. सो विजिट दिस लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, चूज योर ग्रेड, सेलेक्ट योर टारगेटेड एग्जाम, गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करो. वी हैव 3 plans, 1 month, 3 months, 6 months. सो गो फॉर दैट प्लान व्हिच यू वांट टू, एंड अप्लाई कर देना कूपन कोड ATPRO एंड बी अ प्रो. ठीक है, सो लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 2. इफ यू सब्सट्रैक्ट, क्या करना है, माइनस हाफ फ्रॉम अ नंबर एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाई हाफ, यू गेट 1/8. वॉट इज द नंबर, तो कुछ नहीं, लेट कर लो एक नंबर x है, उसमें आपको क्वेश्चन में बोला है कि हाफ आप माइनस भी कर रहे हो और हाफ मल्टीप्लाई भी कर रहे हो. तो कर दो x - हाफ मल्टीप्लाई 1/2, फिर से हाफ,
मल्टीप्लाई भी तो करना है और आंसर आ रहा है 1/8, यही तो क्वेश्चन ने बोला था आपको, इसकी इक्वेशन बना दी। तो एक्स बाई टू 1/4 इज इक्वल टू 1/8, सॉल्व करना है ना अभी। तो एक्स बाई टू इज इक्वल टू 1/8 प्लस 1/4, एलसीएम ले लिया, आपको मिल गया एक्स बाई टू इज इक्वल टू 3/8। नाउ एक्स विल बी इक्वल टू 2 को ले गए आरएचएस में, आपको मिल गया 3/4। ठीक है, सिंपल था ना, आई नो लड्डू क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू नंबर्स आर इन द रेशियो 5:3, दो नंबर हैं उनका रेशियो है 5:3। इफ दे डिफर 5/18, व्हाट आर द डिफरेंस, व्हाट आर द नंबर्स, यार इनका डिफरेंस आ रहा है 18 तो निकाल देना है नंबर, तो कुछ नहीं करना, एक नंबर हो गया आपका 5x, दूसरा हो गया 3x। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, इफ आई सब्सट्रैक्ट 5x माइनस 3x, आई गेट 18 एज द आंसर। तो 5x, 3x, 2x, x विल बी इक्वल टू 2, इधर ले गया 18/2, 19 आ गया। तो अगर x की वैल्यू 19 है तो 5x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 × 9, ठीक है, तो उसकी वैल्यू होगी 45। ठीक है, ये 19 नहीं है बच्चों, दिस इज 9, ओके, दिस इज 9, ओके। एंड देन 3x की वैल्यू हो गई 3 × 9, दैट इज 27। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ x बाई सॉल्विंग इट। तो कुछ नहीं है बच्चों, कुछ नहीं है, बहुत आराम से करना है। तो x विल बी इक्वल टू 4x/5, ठीक है, मल्टीप्लाई कर रहे हो ना 4/5 को इस x से और 4/5 को 10 से, तो 40/5। अब इसको सॉल्व करने की देर है बस। तो हमने क्या किया है, ये x वाली टर्म को ले गए एल एच एस में, तो x माइनस 4x/5 इज इक्वल टू 8। तो x की वैल्यू आपकी आनी चाहिए 5x माइनस 4x/5, एलसीएम ले लिया ना, तो x हो गई और इसको हम उठा के ले गए आर एच एस में 5 को, तो हो गया 40, x इज इक्वल टू 40। बूम डेट, ठीक है, हो गया सिंपल। तो बच्चों डू रिमेंबर दिस, यू हैव टू डू ऑल द क्वेश्चन ऑन योर ओन बिफोर आई सॉल्व इट, ठीक है। और अगर आपका आंसर सही आता है देन बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ दैट यू हैव बूम्ड द क्वेश्चन, एंड इन द कॉमेंट सेक्शन डू लेट मी नो द आंसर दैट यू हैव बूम्ड द क्वेश्चन गिवन बाई योर कैप्टन, ठीक है। मुझे कैसे पता चलेगा आपने सही किया है या नहीं, तो डू लेट मी नो, आई ट्रस्ट यू। सो मुझे जानना है कि किस किस का कॉन्सेप्ट क्लियर है, किसको और चाहिए हेल्प, ठीक है। सॉल्व दिस क्वेश्चन, यार फिर से x की वैल्यू निकालनी है, तो कुछ नहीं बेटा, सॉल्व करना है, x को एक तरफ ले आओ, नॉर्मल टर्म को नॉर्मल टर्म की तरफ ले जाओ। तो x टर्म एक साथ आ गए, एलसीएम ले लिया 6 आ गया, 3x माइनस 2x, कुछ नहीं x बचा, और यहाँ पर भी कुछ नहीं, एलसीएम ले लिया 20 आया, 5 + 4 9/20। अब क्या करेंगे, इस 6 को ले गए आर एच एस में, तो हमारा बन गया 54/20 और x की वैल्यू आ गई 27/10। बूम हो गया ना, हो गया या नहीं, हो गया ना, इतना प्यारे से क्वेश्चंस हैं, इनके लिए तो लाइक बनता है ना, तो फटाफट से लाइक ठोक दो एवरीवन। आई वांट यू गाइस टू लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल, बिकॉज दिस इज द ओनली मोटिवेशन, ये हमें खुशी देता है, क्योंकि अगर हम मेहनत कर रहे हैं हमें भी तो कुछ मोटिवेशन चाहिए ना, कैप्टन भी आपकी मोटिवेशन चाहती है। So hit the like button, subscribe to your channel for more amazing such videos. Now next question on your list, यहाँ पर बेचारे t की value निकालनी है, तो कर देते हैं इसको boom, कुछ नहीं करना, आराम से इसको solve करना है, ठीक है। तो हमने क्या किया, इस t को इधर ले गए, इस पूरे term को उठा के इधर लेके आ गए, अब solve कर दिया तो हमें मिला 90 - 6 - 8 - 12 = 8 - 12 t। जब हमने इसको सॉल्व किया हमें मिला t माइनस 18 8 माइनस 12 t, t वाली टर्म से एक साथ नॉर्मल टर्म एक साथ, तो 12 t इज इक्वल टू 26 और t इज इक्वल टू 2, क्यों 13 × 2 = 26। नेक्स्ट क्वेश्चन, y की वैल्यू निकालनी है, तो यार यहाँ पर भी वही वैसे ही सॉल्व कर देंगे, पूरी की पूरी टर्म्स को सॉल्व करना है, उसके लिए हमने क्या किया, इसको ले जाके उधर रख दिया, तो क्या मिला आपको 5 3y + 4 = -4 + 12y, 15y + 20 इधर आ गया, अब y वाली टर्म एक साथ नॉर्मल टर्म एक साथ, तो y 3y इज इक्वल टू -24 एंड y इज इक्वल टू -8। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, फाइंड द नंबर हुज डबल इज 45, ऐसा नंबर निकालना है जिसका डबल होता है 45, ग्रेटर दैन इट्स हाफ। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमने मान लिया उस नंबर को x। अब जो कंडीशन है क्वेश्चन की वो कहती है डबल ऑफ x और हाफ ऑफ दैट माइनस करना है डिफरेंस, दैट विल बी इक्वल टू 45। तो ये हो गया 4x - x / 2, दैट इज इक्वल टू 45। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, मिल गया 3x इज इक्वल टू 90, x इज इक्वल टू 90/3, बिकॉज इस 3 को ले गए आप आर एच एस में, तो आंसर आ गया 30, सो द नंबर इज 30। बूम, हो गया।
Very good. Congratulations to you, Pirates, if you have done this question on your own. Well done. So, guys, before I go ahead to give you the challenge question and homework question of the day, I am going to tell you in detail about the pro subscription. ठीक है, अगर आपके doubt नहीं solve हो रहे हैं वेदांतु के बाहर, अगर आप पढ़ रहे हो, obviously वेदांतु के अलावा तो कोई इतना ज़्यादा नहीं दे रहा है, आई नो दिस. नोट्स भी चाहिए आपको ऑथेंटिकेटेड, जो कि बिल्कुल सही नोट्स हैं, आप एग्जाम में लिख पाओ उनको. ठीक है, टेस्ट और असाइनमेंट भी चाहिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन भी चाहिए, शेड्यूल अपने अकॉर्डिंग चाहिए, लैंग्वेज अपने अकॉर्डिंग चाहिए. तो गो फॉर दिस एंड सॉल्व ऑल ऑफ योर प्रॉब्लम्स विच यू फेस वाइल लर्निंग ऑनलाइन. प्लस यू गेट बोनस, अनलिमिटेड लाइव क्लास, माइक्रो एंड क्रैश कोर्सेज फ्री, परफॉर्मेंस रिपोर्ट मिलती है और पर्सनलाइज अटेंशन तो मिलती ही है. तो विजिट दिस लिंक vdnt.in/ytpro और अपना ग्रेड सेलेक्ट कर लो बेटा. 6th, 7th, 8th, 9th, 10th कोई भी क्लास में हो, सेलेक्ट योर ग्रेड, सेलेक्ट योर टारगेटेड एग्जाम एंड गो फॉर दिस गेट सब्सक्रिप्शन. वी हैव 3 plans, 1 month, 3 month, 6 month. सो वट एवर सूट्स यू, जो भी आपको समझ आता है, गेट दिस बाई क्लिकिंग ऑन दिस लिंक vdnt.in/ytpro एंड अप्लाई द कूपन कोड ATPRO. Now guys, I know you guys are ready. Let's do this and let's see what is the challenge of the day and homework. This is the homework of the day. Solve this question. I am waiting for your answers in the comment section. So what is the challenge? This is the challenge. ठीक है pirates, do let me know the answer in the comment section. Really, really excited to see how many of my pirates have boomed all the questions which are one marker and this homework and challenge. Okay, so let's end this session now. Thank you so much pirates for coming to this session. Hit the like button, you know the drill. Share the video with your friends so that they can also get to know what are the one marker questions which are going to come in your examination. So we should help everybody, right? And subscribe to your channel so that we can be the bigger family day by day. Bye guys, we'll see you in the next session.